हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइज, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 यामा R15S। इसको V3 भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी R15S V3 की। एंड इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, इंजन में पॉइंट टॉक क्या माइलेज दे देती है, प्राइसिंग क्या है, कलर ऑप्शन क्या है और क्या फीचर्स मिल जाती है, एंड कितना ये भाई अपने V4 से बढ़िया है कि नहीं। वीडियो घंटे तक बने रहेगा, आपको बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड चैनल पर नए तो उसको फटाफट सब्सक्राइब करेगा, ऐसी बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी से हमेशा पाने के लिए। एंड अगर आप लोग वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, यहाँ की कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल इस डीलर से पा सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। इस किसी भी कुछ ऐसी कि यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है अपने R15S में। यहाँ पे आपको यमा की ब्रांडिंग मिलेगी, सेम ही आपको R15 में की मिलती है भाई। सभी वेरिएंट में देखेंगे या फिर यमा के सभी प्रोडक्ट में मैक्सिमम सेम की मिलती है। एंड गाइस, अगर बात करेंगे वेरिएंट कलर ऑप्शन प्राइसिंग की, तो भाई ये ऑफर होती है सिंगल वेरिएंट में। एंड टू कलर ऑप्शन आते हैं, एक आती है भाई अपनी रेसिंग ब्लू एंड 8, ये आती है भाई अपनी हाफ डार्क नाइट बोल सकते हो या फिर पूरा ही मैट ब्लैक बोल सकते हो। प्राइसिंग की बात करेंगे तो मोटी मोटा ये आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगी 1,99,980, मतलब 2,00,000 मोटी मोटा ऑन रोड कॉस्ट करेगी वाराणसी में। ऑन रोड भाई बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। तो अगर देखते हैं V4 से, तो भाई ये अप्रॉक्स आपको 2,20,000 की V4 पड़ती है बेस मॉडल, तो 20,000 ये सस्ती पड़ेगी। एंड अगर फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, तो कुछ ऐसी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल निकल के आ जाती है। एक बार हम लोग भाई स्टार्ट कर देते हैं, इसके इग्निशन को ऑन कर देते हैं। एंड यहाँ पे आपको हैजार्ड फंक्शनलिटी नहीं मिलती है, चारों इंडिकेटर को अब एक साथ नहीं जला सकते, आफ्टर मार्केट करा सकते हो। एंड कुछ ऐसा LED DRL ब्लिंक करने लगता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है भाई। एंड इसको ऑफ कर देते हैं। एंड गाइस, फ्रंट प्रोफाइल से देख रहे हैं, कुछ ऐसी ओवरऑल लुक निकल के आ जाती है, जहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट फ्रंट में वाइजर मिलेगी, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, रियर व्यू मिरर्स आ जा रहे हैं। यहाँ पे आपको R15S की ब्रांडिंग। एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप में मिलती है फ्रंट की हेडलाइट, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे आपको एयर वेंट्स देखने मिल जाता है। डिज़ाइन पर्सनली गाइस, कुछ लोग को V4 से भी ज़्यादा ये पसंद आती है, एक्चुअली मुझे भी बढ़िया लगती है इसकी। गाइस, पावर एंड टॉर्क जो है ना, वो भाई इससे भी ठीक देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे फेंडर देख रहे हैं, फ्रंट में अपने को मिलती है फाइबर की फेंडर, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अपने को मिल जा रहे हैं अगर देखेंगे सस्पेंशन। एंड अगर बात कर लेते हैं फ्रंट टायर प्रोफाइल एंड ब्रेकिंग सिस्टम की, तो काफ़ी बढ़िया ब्लैक कलर का अपना अलॉय व्हील आ रहा है। एंड फ्रंट में 100x80 सेक्शन टाइम मिले विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। एंड गाइस, यहाँ पे आपको 282mm डिस्क ब्रेक मिल रहा है। एंड अगर देखते हैं तो भाई ये अपना आती है डुअल चैनल एबीएस के साथ, फ्रंट में एबीएस, रियर में एबीएस, सेफ्टी भी भाई बढ़िया है, बाइबरी के कैलिपर्स आ जा रहे हैं। बाकी साइड प्रोफाइल की तरफ आ रहे हैं, तो भाई ये इसके ओवरऑल राइट साइड प्रोफाइल, बहुत ज़्यादा ग्राफिक वगैरह इसमें नहीं मिलते हैं आपको। यहाँ पे देख रहे हैं तो VVA की ब्रांडिंग, ABS की ब्रांडिंग, R15S की ब्रांडिंग, Version 3 ब्रांडिंग, हैलोजन सेटअप में मिलते हैं टर्न सिग्नल्स अपने को। बाकी गाइस, नीचे अपने को यमहा की ब्रांडिंग मिल जा रही है, O2 सेंसर की प्लेसमेंट मिल जाएगी एग्जॉस्ट में। और अगर देखेंगे पैडल्स वगैरह को, तो यहाँ पे आपको मेटल की पैडल्स मिल जाते हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के साथ, एंड फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। ब्रेक लीवर मिलेगा, रियर ब्रेक लीवर फ्यूलिंग मिलेगी एग्जॉस्ट, यहाँ पे देख रहे हैं सिल्वर फिनिशिंग मफलर मिलेगा। एंड काफ़ी बढ़िया अपने को मिल जाती है भाई टायर, जो कि ग्रिप के साथ आती है। एंड अगर देखेंगे तो भाई अपना 140x70 सेक्शन टायर विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 220mm का डिस्क ब्रेक, ABS मिल रहा है इसमें, हालांकि ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह इसमें आपको नहीं मिलता है भाई। एंड गाइस, यहाँ पे ग्रिपिंग वगैरह भी टायर की ठीक मिलती है। यहाँ पे आपको फ्लैट सीट मिल जाती हैं और काफ़ी बढ़िया एग्रेसिव यहाँ पे आपको टेक्सचर मिलता है इसके टैंक का। और यहाँ पे MID को देखेंगे तो यहाँ पे गाइस अपने को LCD डिस्प्ले देखने मिलती है। एंड न्यू अपडेट हुआ है V4 में, कंपैरिजन आपको चैनल मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। स्विचेस वगैरह MID की बात बिल्कुल अभी हम लोग करेंगे, बाकी प्रोफाइल आप लोगों ने देख लिया। अब रियर प्रोफाइल से आते हैं, तो कुछ ऐसी ओवरऑल अपने को रियर प्रोफाइल मिलती है, जहाँ पे आपको LED मिलती है, टेल लैंप, टर्न सिग्नल, हैलोजन, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर, अगेन इधर भी नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर, टायर अगर मिल जा रहा है, मड वगैरह पीछे नहीं आएगा भाई। बाकी गाइस, यहाँ पे आपको रियर पैसेंजर के लिए मिलेगा भाई प्रॉपर देखेंगे तो फुटरेस्ट, यहाँ पे आपको मेटल की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। इधर अपने को विमेंस के लिए मिलेगी भाई साड़ी का फुटरेस्ट नहीं आता, एंड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, गेलीवर्स क्विक स्विकर वगैरह नहीं आती है। यहाँ पे आपको मेटल की काफ़ी बढ़िया फुटरेस्ट, साइड स्टैंड मिलता है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ भी आता है। एंड ये भाई अपना इसका ओवरऑल लिक्विड कूल इंजन है, सिंगल सिलेंडर। यहाँ पे भी आपको R15S V4 की ब्रांडिंग मिलेगी। एंड MID एंड स्विचेस की बात करते हैं, तो गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया फुली डिजिटल MID मिल जाता है, जहाँ पे आपको गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, डिजिटल फ्यूल गेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे न्यूट्रल, कूलेंट, टेम्परेचर, इंजन चेक लाइट, टर्न सिग्नल, हाई बीम, लो बीम, ABS की ब्रांडिंग वगैरह मिल जाती है। एंड गाइस, अगर देखेंगे स्विचेस को, तो राइट साइड में यहाँ देखेंगे तो इंजन कटोगे से सेल्फ स्टार्ट, लेफ्ट साइड में आपको हाई बीम, लो बीम, पास का इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल, हॉर्न का स्विच मिल जा रहा है। काफ़ी बढ़िया MID एंड स्विचेस वगैरह मिल जाते हैं। और राइडिंग पोस्चर इसका तो थोड़ा सा कंफर्टेबल है V4 से कंपेयर करते हैं आप तो। बाकी गाइस, एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर्स वगैरह मिल जा रहे हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं भाई अपने R15S की, तो गाइस सबसे पहले अगर बात करेंगे इसके इंजन में पावर एंड टॉर्क की, तो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं अपने को 155cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर F5BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है, जहाँ पे मैक्स पावर 18.16 BHP मिली 10,000 RPM पे, एंड 14.2 NM को टॉर्क मिला 7500 RPM पे। एंड अगर भाई देख रहे हैं
फ्यूल टैंक हो तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी एंड अप्रॉक्स 40-45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देगी। एंड अगर डायमेंशन की बात करें तो ओवरऑल लेंथ मिल जा रही है 1990 mm की, 725 mm की विड्थ मिल रही है, ओवरऑल हाइट मिल जा रही है 1135 mm की, व्हील बेस 1335 mm की मिलती है एंड 1325 mm ग्राउंड क्लियरेंस देखने को भाई 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जा रही है। सीट हाइट 850 mm की देखने को मिल जा रही है। सीट हाइट में भी ठीक है, शॉर्ट राइडर भी राइड कर लेंगे इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, लेकिन पूरा ही काफ़ी बढ़िया लग रही है इसकी। ओवरऑल ब्लैक कलर आप देख रहे हो और फ्रंट का भी लुक, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लग रही है। पर्सनली मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। राइडिंग पोस्चर भी इसका ठीक है, फ्लैट सीट्स आ जा रहे हैं और इसकी ये क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। लेकिन है ये फाइबर का, ये सब फाइबर आपका पार्ट मिलता है आपको। एंड लिक्विड कूल इंजन है ये भाई अपना, LED सेटअप है, फ्रंट का लाइट, टेल लैंप भी LED, टर्न सिग्नल आपको हैलोजन आ रहा है, बाकी वो तो अभी V4 में भी अपने को हैलोजन है, M में भी LED मिलता है। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा। मोटी मोटा ऑन रोड आपको कॉस्ट करेगी 1,99,900, 2 लाख तक समझ लीजिए। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी में पाने के लिए। मिलता होगा इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।